Hello everyone, we will solve some 30 MCQ on the topic World Bank in this video. वो MCQ के साथ साथ हम कुछ latest current affairs भी देखेंगे इस video में. तो start करते हैं, कुछ latest current affairs देख लेते हैं और बीच बीच में हम MCQ भी लगाते रहेंगे. Indian government signs agreement for two projects in Tamil Nadu with World Bank Group. Indian government ने agreement sign किया है तमिलनाडु में डेवलपमेंट के लिए वर्ल्ड बैंक से. तो क्या डेवलपमेंट है देख लेते हैं. ऑन 29 जून 2020 एन एग्रीमेंट वॉज साइंड विद द वर्ल्ड बैंक ग्रुप एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर प्रोवाइडिंग अर्बन पुअर्स के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया है इंडियन गवर्नमेंट ने इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु. कि इस चीज़ का ये एग्रीमेंट है एसेस टू अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए है ये. और इस एग्रीमेंट में दो प्रोजेक्ट चलेंगे. द एग्रीमेंट साइंड हैज़ टू प्रोजेक्ट्स अंडर इट, तमिलनाडु हाउसिंग सेक्टर स्ट्रेंथनिंग प्रोग्राम एंड सेकंड इज तमिलनाडु हाउसिंग एंड हैबिटेट डेवलपमेंट. तो ये दो नाम आपको याद होने चाहिए. चलिए कुछ एमसीक्यू देखते हैं. वर्ल्ड बैंक वॉज कम इन टू एग्जिस्टेंस ऑन कब आया था ये आपको याद रखना है, जुलाई 1994 में. हेडक्वार्टर वर्ल्ड बैंक का कहाँ है, सिचुएटेड एट द वॉशिंगटन DC, ये भी याद रखिएगा. नेक्स्ट, मेंबर कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड बैंक आर 188 मेंबर कंट्रीज हैं वर्ल्ड बैंक में करेंटली. वर्ल्ड बैंक कंप्राइजेज ऑफ IBRD, IDA, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव. तो ये दो विंग्स जो दी हुई है वर्ल्ड बैंक की सही दी हुई है. ए एंड बी इज योर आंसर, बोथ ऑफ द अबव. सी, विच अमंग द फॉलोइंग इज ऑल्सो पार्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप. वर्ल्ड बैंक ग्रुप का कौन पार्ट है, तो IFC दिया हुआ है ये भी इसका पार्ट है, MIGA भी पार्ट है, ICSID भी, ऑल ऑफ द अबव. सो आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव. मेन फोकस ऑफ IBRD एंड IDA इज ऑन. IBRD और IDA का मेन फोकस क्या रहता है, डेवलपिंग कंट्रीज़ के ऊपर, कि वो डेवलप्ड हो जाएं पूरी तरीके से. सो आंसर इज बी, डेवलपिंग कंट्रीज. मेन फोकस ऑफ IBRD एंड IDA इज ऑन. सो एक करंट अफेयर और देख लेते हैं. वर्ल्ड बैंक ग्रुप अप्रूव्स $500 मिलियन अंडर स्टार्स प्रोग्राम. $500 मिलियन का एक प्रोग्राम, स्टार्स प्रोग्राम वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव किया है. तो इस प्रोग्राम में क्या हो रहा है वो भी देख लेते हैं. ऑन 28 जून 2020 द वर्ल्ड बैंक ग्रुप हैज़ अनाउंस दैट अ लोन ऑफ $500 मिलियन अप्रॉक्स ₹3700 करोड़ वॉज अप्रूव्ड बाई इट्स बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑन 24 जून 2020 फॉर इम्प्रूविंग द क्वालिटी एंड गवर्नेंस ऑफ स्कूल सिस्टम इन इंडिया. देखिए मेन एजुकेशन पे पास किया गया है ये जो प्रोजेक्ट है जो इन्होंने स्टार्स प्रोग्राम के नाम से चलाया है. तो ये मेन इम्प्रूविंग द क्वालिटी एंड गवर्नेंस ऑफ स्कूल एजुकेशन सिस्टम के लिए. द लोन अप्रूव्ड विल बेनिफिट 10 मिलियन टीचर्स एंड 250 मिलियन स्टूडेंट्स को बेनिफिट करेगा. इस TARS स्टार्स प्रोग्राम को आपको याद रखना है. तो इसमें और भी चीज़ दी हुई है. द वर्ल्ड बैंक बोर्ड ऑन June 24, 2020 अप्रूव्ड $500 मिलियन स्टार का फुल फॉर्म क्या है देख लेते हैं. स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स प्रोग्राम, ये फुल फॉर्म आपको याद रखना है. स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स प्रोग्राम प्रोजेक्ट टू इंप्रूव द क्वालिटी एंड गवर्नेंस ऑफ स्कूल एजुकेशन इन 6 इंडियन स्टेट्स. ये 6 इंडियन स्टेट्स भी आपको याद रखने होंगे, MCQ में पूछा जा सकता है. द स्कीम्स विल बी इंप्लीमेंटेड थ्रू द समग्र शिक्षा अभियान, द फ्लैगशिप सेंट्रल स्कीम इन हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा एंड राजस्थान. ये 6 स्टेट्स के नाम आपको याद रखने हैं. डेविड मेलपास इलेक्टेड एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक. न्यू प्रेसिडेंट बन चुके हैं वर्ल्ड बैंक के, तो उनका नेम है डेविड मेलपास. डेविड मेलपास अ टॉप US ट्रेजरी ऑफिशियल इन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन वॉज यूनानिमसली सिलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर. 5 ईयर का टर्म होता है वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट का, ये आप लोग को पता होगा. द वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट इज चेयर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द इंटरनेशनल बैंक फॉर IBRD का भी चेयर होगा वो चेयरमैन एंड इंटरनेशनल IDA का भी वो चेयरमैन होता है. सो डेविड मेलपास याद रखिएगा नेम. हु इज द करेंट प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप, सो आंसर इज डेविड मेलपास. ज़ोलिक द वर्ल्ड बैंक एंड IMF गिव रिस्पेक्टिवली लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म क्रेडिट देता है. ध्यान रखिएगा वर्ल्ड बैंक जो है और IMF जो है दोनों लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं कंट्रीज़ को जो मेंबर कंट्रीज होती हैं. 9th, विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट मेंबरशिप ऑफ वर्ल्ड बैंक. 188 कंट्रीज हैं आपको पता ही होगा, कोसोवा जो है वो लेटेस्ट एडिशन है वर्ल्ड बैंक में. सो टोटल इज 188 कंट्रीज. वर्ल्ड बैंक ग्रुप गेट्स इट्स अ फॉर्मल एग्जिस्टेंस ऑन. फॉर्मली एग्जिस्टेंस कब मिला था, जुलाई में तो स्टार्ट हो गया था. तो मेन फॉर्मली जो स्टार्ट हुआ था वो दिसंबर 27, 1945 में स्टार्ट हुआ था. ये आपको डेट याद रखनी है. इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन जो एक विंग है वर्ल्ड बैंक की, तो उसमें भी देख लीजिए कुछ दिया हुआ है. द वर्ल्ड बैंक एंड IMF लॉन्च्ड सेवरल फाइनेंशियल इनिशिएटिव्स टू हेल्प आउट द IDA कंट्रीज इन टाइम्स ऑफ द कोविड-19 क्राइसिस के समय. इन दोनों वर्ल्ड बैंक और IMF ने मिलकर IDA के साथ बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं. अबाउट IDA, द IDA और इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन इज एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट इज पार्ट ऑफ द वर्ल्ड बैंक ग्रुप. IDA है जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप का एक पार्ट है. इट वॉज स्टैब्लिश इन 1960 में स्टैब्लिश हुआ था. इसका भी हेडक्वार्टर Washington DC में है. दोनों IDA के, वर्ल्ड बैंक और IMF IDA के साथ मिलकर फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है इंटरनेशनल
फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है। कोविड के टाइम में भी इन्होंने ऐसा किया है बहुत। द प्रेजिडेंट इज़ सिलेक्टेड बाय द बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फॉर अ 5 ईयर टर्म के लिए होता है, रिन्यूएबल टर्म होता है ये 5 ईयर। नेक्स्ट, द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मेक अप द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द वर्ल्ड बैंक, दे नॉर्मली मीट एटलीस्ट डैश अ वीक। कितने वीक में वो लोग मिलते हैं? एक वीक में दो बार मिलते हैं, ट्वाइस अ वीक। ये सब आपको याद रखना है, 5 ईयर का टर्म होता है और ट्वाइस अ वीक मिलकर वो लोग आपस में मीटिंग करते हैं। मीटिंग में क्या होता है? अप्रूवल्स होते हैं लोन के, गारंटी पॉलिसीज और एडमिनिस्ट्रेटिव बजट, इन सब के बारे में डिस्कशन होता है। द प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक बिटवीन जून 1946 टू दिसंबर 1946 वॉज, इस टाइम के बीच में कौन था? सो आंसर इज बी, यूजीन मेयर। आई थिंक प्रोनंसिएशन रॉन्ग है तो आई एम वेरी सॉरी। तो आंसर इज बी। बेसिक पर्पज ऑफ वर्ल्ड बैंक इज रिमूवल ऑफ पॉवर्टी फ्रॉम वर्ल्ड, प्रोवाइड क्रेडिट टू पुअर कंट्रीज। मेन जो वर्ल्ड बैंक है वो पुअर कंट्रीज़ को हेल्प करता है, सब कंट्रीज मेंबर कंट्रीज़ को हेल्प करता है, लेकिन मेन है उसका रिमूवल ऑफ पॉवर्टी फ्रॉम वर्ल्ड, मेन ऑब्जेक्टिव यही है उसका। सो आंसर इज सी, बोथ ऑफ द अबव। व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट मेंबर ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप, कौन वर्ल्ड बैंक ग्रुप का मेंबर नहीं है? तो ये सारे जो नेम दिए हैं, नोरा, मोनाको, क्यूबा, ये सारे जो हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप के मेंबर नहीं हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नोरा भी अब जो आपका ई दिया हुआ है वो अब मेंबर बन गया है, तो आप ई को इग्नोर करिएगा इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इज नॉट पार्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक कम्युनिटी, कौन पार्ट नहीं है? WTO इसका पार्ट नहीं है, वो अलग है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूशन इज नोन एज सॉफ्ट लोन विंडो, जो IDA है वो सॉफ्ट लोन विंडो कहलाती है वर्ल्ड बैंक ग्रुप की। तो IDA याद रखिएगा। फर्स्ट कंट्री हु हैज़ रिसीव द लोन फ्रॉम वर्ल्ड बैंक, फ्रांस जो थी फर्स्ट कंट्री थी जिसको वर्ल्ड बैंक से लोन मिला था। द वर्ल्ड बैंक इज़ अ रिकॉग्नाइज्ड मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट ग्रुप का, ये पूरा प्रोग्राम के अंदर वर्ल्ड बैंक आता है, तो आप याद रखिएगा ये किसका मेंबर है। वर्ल्ड बैंक रिकॉग्नाइज्ड मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट ग्रुप। वाई वर्ल्ड बैंक वॉज एस्टैब्लिश्ड, क्यों बनाया गया था? मेन रीज़न था पॉवर्टी को रिड्यूस करना। तो देखिए क्या दिया है, वाई वर्ल्ड बैंक वॉज एस्टैब्लिश्ड टू प्रमोट द इंटरनेशनल ट्रेड से, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाए। टू इम्प्रूव द एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन, इससे कोई मतलब नहीं है। टू कंस्ट्रक्ट द इकोनॉमिक डैमेज ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, वर्ल्ड वॉर के बाद भी जो पुअर जो कंट्रीज थी जो वर्ल्ड वॉर की वजह से जिनकी इकॉनमी डिस्ट्रॉय हो गई थी, उनको हेल्प करने के लिए मेन ऑब्जेक्टिव ये भी था कि उनको हेल्प करने के लिए बनाया जाए। तो ये वर्ल्ड बैंक जो है कंस्ट्रक्ट किया गया था जो डैमेज्ड इकॉनमी थी ड्यू टू वर्ल्ड वॉर टू। नेक्स्ट, अंशुला कांत अपॉइंटेड एज MD एंड CFO ऑफ वर्ल्ड बैंक, अंशुला कांत जो है वो MD और CFO बनाई गई हैं, तो आपको ये याद रखना है। अंशुला कांत मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज़ बीन अपॉइंटेड एज MD एंड चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ द वर्ल्ड बैंक, बहुत अच्छी बात है ये। तो शी विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइनेंशियल जो मैटर्स होंगे, फाइनेंशियल रिस्क, फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड, वो वर्ल्ड बैंक में अंशुला कांजी देखेंगी। हर वर्क विल इंक्लूड ओवरसाइट ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, रिस्क मैनेजमेंट एंड वर्किंग क्लोजली विद वर्ल्ड बैंक CEO। नेक्स्ट, इन विच ऑनलाइन इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन इज प्लानिंग टू इन्वेस्ट $40 million एज ऑन April 2021। तो April 2021 में ये IFC जो है वर्ल्ड बैंक ग्रुप की एक मेंबर है जो विंग है जो वो प्लान कर रही है इन्वेस्ट करने का, अप्रैल में इन्होंने प्लान किया है। तो $40 million बहुत बड़ा अमाउंट है, तो ये अब ग्रैड करके एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिस पे ये इन्वेस्ट करने की सोच रही है। तो एक्सप्लेनेशन देख लेते क्या है। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन अ मेंबर ऑफ द वर्ल्ड बैंक ग्रुप प्लान्स टू इन्वेस्ट $40 million अबाउट 290 crores इन अपग्रेड एंड ऑनलाइन अप स्किलिंग प्लेटफॉर्म है एक ये, एंड IFC हैज़ प्रपोज टू लोन अप टू $150 million टू बजाज फाइनेंस लिमिटेड। तो बजाज फाइनेंस की हेल्प से ये यहाँ पर अपग्रेड में इन्वेस्ट करेंगे। द बैंक प्रोवाइड लोन्स ओनली टू मेम्बर फॉर द पर्पज ऑफ वर्ल्ड बैंक, मेन पर्पज क्या है लोन प्रोवाइड करने का? फाइनेंसिंग स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। तो जो बैंक है वर्ल्ड बैंक जो लोन प्रोवाइड कर रहा है मेंबर के लिए, किस पर्पज़ के लिए? फाइनेंसिंग स्पेसिफिक, जो स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको हेल्प करने के लिए। वर्ल्ड बैंक डेवलपमेंट रिपोर्ट इज़ एन एनुअल पब्लिकेशन ऑफ, वर्ल्ड बैंक के बारे में पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस है आंसर वर्ल्ड बैंक होगा। तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो होती है वो वर्ल्ड बैंक पब्लिश करता है। वर्ल्ड बैंक अनवील्स $200 billion इन क्लाइमेट एक्शन इन्वेस्टमेंट फॉर 2021 to 2025। इन्होंने क्लाइमेट के लिए भी एक्शन लिया है और $200 billion इन्वेस्ट करने का इन्होंने सोचा है, इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम चला रहे हैं। वर्ल्ड बैंक हैज़ अनवील्ड $200 billion इन क्लाइमेट एक्शन इन्वेस्टमेंट फॉर 2021 से 25 के बीच में टू फाइट इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज की वजह से जो इंपैक्ट पड़ रहा है मरीन पे, मरीन लाइफ पे और ह्यूमन बींग्स पे, उसके लिए ये है जो अमाउंट है इन्होंने प्लान किया है।
द मूव कॉन्साइड्स विद कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 24 कॉप 24 जो है इसके बारे में भी आप एमसीक्यू पढ़ सकते हैं, हम इसके बारे में भी आगे बनाएंगे। यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट समिट इन कैटोवाइस पोलैंड, द ब्रेकडाउन ऑफ यूएस डॉलर 200 बिलियन यूएस डॉलर विद कम्प्रोमाइज अप्रॉक्सीमेटली 100 बिलियन इन डायरेक्ट फाइनेंस फ्रॉम वर्ल्ड बैंक। 100 बिलियन डायरेक्टली वर्ल्ड बैंक फाइनेंस करेगी इसमें और 100 बिलियन जो डॉलर्स हैं वो डिफरेंट मिलेंगे। What are the forms of assistance that the World Bank provides to its member? अपने member को किस तरह की assistance provide करती है World Bank? Technical and financial assistance provide करती है, तो answer है A, technical and financial assistance. Which organization of World Bank Group deals with matters related to the development of poorest country? कौन सा World Bank Group का एक wing है जो इन सब पे जो poorest countries हैं world की उनको help करने के लिए work करता है? So answer is IDA, International डेवलपमेंट एसोसिएशन का मेन वर्क यही है। वर्ल्ड बैंक के अंदर विंग्स होती हैं अलग अलग, तो उसमें एक विंग है IDA जो पुअरेस्ट कंट्रीज़ को हेल्प करती हैं। इन विच आर्टिकल ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन आर्टिकल्स ऑफ एग्रीमेंट आर द पर्पजेज ऑफ द इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन कवर्ड, तो आर्टिकल नंबर आपको याद रखना है, आर्टिकल 1 है। द आर्टिकल्स ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन आर्टिकल्स ऑफ एग्रीमेंट इन विच द पर्पज ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन आर कवर्ड इज आर्टिकल नंबर 1। आर्टिकल 1 याद रखिएगा जिसमें ये पर्पज़ लिखे हुए हैं। कैन डिस्प्यूट सेटलमेंट प्लेस अंडर वर्ल्ड बैंक ग्रुप ऑस्पाइसेस, मतलब क्या वहाँ सेटल हो सकते हैं ये जो डिस्प्यूट होते हैं मेंबर कंट्रीज़ में? तो देखते हैं क्या है? हाँ, उसके लिए एक विंग बनाई गई है ICSID, जो भी डिस्प्यूट होते हैं मेंबर कंट्रीज़ के बीच में वर्ल्ड बैंक उसको सॉल्व करता है अपनी एक विंग से ICSID। सो आंसर इज डी, यस। ICSID का फुल फॉर्म देख लेते हैं, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। सो एक करंट अफेयर कुछ और देख लेते हैं, फिर हम अपना 30 MCQ वाइंड अप करेंगे। वर्ल्ड बैंक अप्रूव्स प्रोग्राम टू बूस्ट MSME सेक्टर। MSME सेक्टर को वर्ल्ड बैंक ने बूस्ट करने के लिए कुछ प्रोग्राम स्टार्ट किए। वर्ल्ड बैंक हैज़ अप्रूव्ड अ $500 मिलियन प्रोग्राम टू बूस्ट MSME सेक्टर इन इंडिया। वर्ल्ड बैंक प्रोग्राम कॉल्ड $500 मिलियन रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। MSME का फुल फॉर्म है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के लिए इन्होंने $500 मिलियन का बजट रखा है। प्रोग्राम का क्या एम है? एम्स टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस ऑफ 550,000 MSME को हेल्प करने के लिए उन्होंने ये प्रोग्राम रखा। इट वॉज अनाउंस्ड बिकॉज आउट ऑफ, इतना ही देखते हैं, मेन जो हेडिंग होती है वही इसी पे क्वेश्चन बनता है, तो हम इतना ही देखते हैं। सो दिस मच फॉर वर्ल्ड बैंक MCQs। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी MCQ बनाते रहेंगे।